हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी गोरखपुर के एएलपी के इम्पैनल कैंडिडेट के जॉब अपॉइंट के बारे में। कल ही 22 से 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक ऑफिशियल वीडियो जारी की है उनका अपनी यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बाकी सभी आरआरबी की कैंडिडेट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेलवे पर आपका फ्यूचर अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को सभी कैंडिडेट देखिए और जितना हो सके सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर का सवाल है। आरआरबी गोरखपुर में टोटल वैकेंसी 1681 निकाली गई थी और इनमें से 1579 उम्मीदवारों को पैनल में इम्पैनल भी किया गया था। अभी इनमें से 882 उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू कर दिया गया था। इस 882 कैंडिडेट में 397 कैंडिडेट का ट्रेनिंग होके अभी फिलहाल पोस्टिंग भी करवा दी गई और बाकी 484 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग भी 15 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। लेकिन बचे हुए 697 इम्पैनल्ड कैंडिडेट की ना अभी कोई अपॉइंटमेंट लेटर आया और टोटल 1681 से बाकी जो 102 कैंडिडेट की है वो अभी पैनल पे भी नहीं आया। इस दौरान नॉर्थ ईस्ट रेलवे की लापरवाही सामने आया और टोटल 1681 वैकेंसी में करीबन आधे वैकेंसी को नॉन अवेलेबिलिटी की घोषणा भी कर दिया गया। अभी फिलहाल रेलवे ने प्रेशर में आके अपनी गलती मान भी ली और जो चार आदमी की गलती की वजह से ये एक्स्ट्रा वैकेंसी निकाली गई थी उसके खिलाफ इंटरनल कार्रवाई भी शुरू किया। लेकिन अगला जो बात रेलवे ने कही है वो ऑफिशियली भी कही है, वो बहुत ही चिंताजनक बात है दूसरा आरआरबी के कैंडिडेट के लिए। रेलवे ने बताया गोरखपुर की बाकी कैंडिडेट को दूसरे आरआरबी में डाइवर्शनल पैनल के थ्रू भेज दिया जाएगा। देखिए, इसमें अभी दो प्रॉब्लम है। एक तो आरआरबी गोरखपुर के कैंडिडेट को उसका अपने जोन में चयन होने के बावजूद भी दूसरे जोन में पोस्टिंग मिलेगा, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दूसरा आरआरबी के वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को ऊपर ये भारी असर पड़ेगा। हो सकता है दूसरे बोर्ड के वेटिंग लिस्ट की कैंडिडेट को पहले रिप्लेसमेंट पैनल में चांस मिलने से वजह इन गोरखपुर कैंडिडेट को भी चांस दिया जा सकता है, तो इससे नुकसान बाकी आरआरबी कैंडिडेट को भी भुगतना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वेटिंग कैंडिडेट जिसका पहले नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा था उसको अभी जॉब ना भी मिल सकता है। और अभी तक ये बात सिर्फ माउथ टू माउथ सर्कुलेट हो रहा था, मगर अभी रेलवे ने ये बात ऑफिशियली कह दी। तो इससे नुकसान सिर्फ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट की ही नहीं बल्कि आगे आने वाले एग्ज़ाम की उम्मीदवारों के लिए भी बैड न्यूज़ है, क्योंकि ये एक ह्यूमन एरर है, ये फिर से दोबारा कभी भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेट सफ़र करेंगे तो कैंडिडेट्स ही, इसलिए अभी सभी जोन की वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट किसी भी तरह अपने अपने आरआरबी को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि देखिए गोरखपुर कैंडिडेट को आप कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपनी खुद की वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को फर्स्ट राइट मिलना चाहिए कि अपने जोन में चयन होने का। उसके बाद अगर फिर वैकेंसी बचता है तो आप आरआरबी गोरखपुर के एक्स्ट्रा स्टूडेंट को जगह दे सकते हैं, नहीं तो ये अपनी खुद की आरआरबी की कैंडिडेट की से भी नाइंसाफी हो सकता है। लेकिन कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है, आप कोई भी स्टेप ले उसमें यूनिटी होना चाहिए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग अपने आरआरबी में पेश करिए। आरआरबी के अधिकारी को पहले से ब्लेम मत करिए, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो ह्यूमन ही है और वो वेल एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड पर्सन भी है। वो आप लोगों का मांग ज़रूर सुनेगा, लेकिन आप लोग एक यूनिटी में बना के अपनी कंसर्न आरआरबी को बता सकते हैं, इसमें आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। अभी फ़िलहाल कोविड 19 की सिचुएशन चल रहा है, तो मेरा सजेशन है कि आप कोई भी कदम लें वो अपने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियम पालन करके ही, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भी ये आपका मांग रखिए, इससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा होगा। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग
यह है एंड ऑफ दिस वीडियो का। इसके रिगार्डिंग और भी फ्यूचर में कोई अपडेट आए तो मैं आपको टेक संजू चैनल पे लाता रहूँगा वो। और अभी भी जो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।